हम इस समय करोल बाग संत रविदास मंदिर पर हैं, जहां थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे। उन्होंने बाकायदा दर्शन किया, पूजन किया और दर्शन करने के बाद यहां महिलाओं के साथ उन्होंने भजन कीर्तन किया। तो आज पहले तो उन महिलाओं से बात करते हैं जिनके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने भजन कीर्तन। आप देख सकते माता जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप लोगों के यही बैठे, हमारे दौरे आके बैठे, हमारे क्या कहा, हमारे साथ भजन गाए उन्होंने, अरिजीत चिमटा बजाया हमारे साथ, हमारे संगत का साथ दिया उन्होंने बराबर, हमें बड़ी खुशी हुई। चार घंटे कुछ कहा उन्होंने, कुछ बात भी किया। हाँ, ये पूछा आप ये सत्संग क्या घंटे करते हो, हमने बोला ये सत्संग हम डेली 4 घंटे करते हैं। तो आप लोगों ने भी उनको कुछ संदेश दिया? नहीं, इतना मौका नहीं मिला। कौन सा गीत आप लोगों ने सुनाया, कौन सा सत्संग किया था? हमको भी सुनाइए, भजन सुनाइए। हाँ, बैठ के भजन सुना दीजिए। पीएम ने कौन सा भजन पीएम साहब को सुना? मेरे सत्य गुरु दीन दया, मैं तेरा नाम जपा करूं, मेरे रविदास मारा, आज मैं तेरा नाम जपा करूं, ओ ओ आ करूं जपा करूं, ओ रविदास मारा, आज मैं तेरा नाम जपा करूं, औरों के तो चांदा सूरज, औरों के तो चांदा सूरज, मेरा उजाला तू, मैं तेरा नाम जपा कर ओ अस महाराज, मैं तेरा नाम जपा करूं, औरों के तो ब्रह्मा विष्णु, औरों के तो ब्रह्मा विष्णु, ओ मेरा ठाकुर तू, मैं तेरा नाम जपा करूं, गुरु मेरा ठाकुर तू, मैं तेरा नाम जपा करूं, मेरे सतगुदास महाराज, मैं तेरा नाम जपा करूं। आज हमें बहुत खुशी है, देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब आज हमारे बीच में हमारी संगत में आके बैठे। आप देख सकते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मंदिर पहुंचे तो मंदिर में उन्होंने दर्शन करने के बाद यहाँ पर इस संगत में महिलाओं के साथ संगत की, उन्होंने संगत में काफी देर तक समय दिया और उनके साथ बातचीत भी की और संदेश भी दिया। अब हम मंदिर परिसर में हैं, आपको यहाँ पे दिखाते हैं, संत रविदास मंदिर है। संत रविदास मंदिर में आज जब उन्होंने पूजा किया, पूजा करने के बाद यहाँ से निकले और मंदिर प्रशासन से मुलाकात की, मुलाकात के बाद पीएम यहाँ से निकले। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ संत रविदास मंदिर करोलबाग के मुख्य पुजारी हैं पंडित राम सहारे शुक्ला जी। शुक्ला जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने क्या क्या किया और आपने कैसे पूजा कराई उनकी? जी, वो मंदिर में आए, मंदिर में उन्होंने पुष्प वहीं रखा हुआ था, पुष्प उठाया, मैंने गुरु रविदास जी के वाणियों का उच्चारण करते हुए प्रधानमंत्री जी को पूजा कराई पुष्पों के साथ। उन्होंने पुष्प गुरु महाराज को चरणों में समर्पित किया, समर्पित करते हुए फिर मैंने श्री प्रधानमंत्री जी को टीका किया, टीके करने के बाद फिर मैंने प्रधानमंत्री जी को प्रसाद दिया, प्रसाद को बड़े प्रेम से उन्होंने ग्रहण किया। फिर हमारे से कहने लगे आप यहाँ, आपका नाम क्या है? तो मैंने बोला पंडित राम सहारे शुक्ला सर मेरा नाम है। तो बोले आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं श्रावस्ती जनपद का रहने वाला हूँ। कह रहे हैं आप कितने वर्ष से यहाँ पे हैं? मैंने सर 15 साल से हूँ मैं यहाँ पर। तो वो कहने लगे बच्चे पढ़ा रहे हो आप? मैंने तो बोल दिया क्योंकि सर मैं पिछले साल से परेशान हूँ, एक बच्ची का हमारे एडमिशन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने बताया, मैंने सर मैं अपने यहाँ के सांसद जी के पास गया था, श्री राम श्रोमण वर्मा जी हैं, तो 2 चक्कर उनके पास गया लेकिन हमारे बच्ची का एडमिशन नहीं हो पाया। तो उन्होंने तुरंत आदेश गुप्ता जी को बुलाया जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा भाई आदेश जी देखिए इनका काम जो भी है, बच्ची का एडमिशन करवा दीजिए। ये कहते हुए और फिर वो बाहर आए, बार बाबा भोलेनाथ के मंदिर में गए और बजरंग बली को मत्था टेका, माता रानी के भवन में गए, वहाँ पर उन्होंने मत्था टेका। फिर हमारे मंदिर का
एक ऑटोग्राफ बुक है, उसमें आकर के उन्होंने अपने विचार जो भी थे वो उसमें लिखे, फिर आकर के सत्संग मंडली के अंदर बैठ गए, बाकायदा आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी करतार बजाते हुए भजनों का आनंद लिया और सभी माताओं बहनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए और फिर यहां से पुनः रिटर्न वापस निकल गए।